वसीम रिजवी के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद का एहतजाज किया गया है। मौलाना महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से ये एहतजाज किया गया है। मुजाहिरे में कई उलेमा मौजूद रहे। वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। डीएम एसएसपी के जरिए सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम भी सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वसीम रिजवी के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद का एहतजाज किया गया है। मौलाना महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से एहतजाज हुआ है। मुजाहिरे में कई उलेमा मौजूद रहे। वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। डीएम एसएसपी के जरिए सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है। वसीम रिजवी के खिलाफ मुल्क भर में गुस्सा है। जिस तरह से उन्होंने कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, उसके खिलाफ तमाम मुस्लिम रहनुमा और उलेमा सामने आए हैं, मुखालिफत कर रहे हैं और आज जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एहतजाज किया गया। काफी ज्यादा तादाद में लोग इस एहतजाज में शामिल हुए। वसीम रिजवी के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद का एहतजाज आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कसर तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की और अपना गुस्सा जाहिर किया। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा लगातार किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ओवैस अली इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है देवबंद से, उनका रुख करते हैं सीधे। ओवैस, क्या लगता है, लोगों की तरफ से लगातार गुस्से का इजहार किया जा रहा है, अब जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से एहतजाज किया गया, क्या कुछ मुतालबा किया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज के बाद जमीयत उलमा हिंद जो महमूद मदनी का गुट है उसकी तरफ से एहतजाज किया गया है। सैकड़ों की तादाद में लोग इस एहतजाज में पहुंचे हैं। ये एहतजाज देवबंद का जो मदरसा है दारुलूम उसकी जो खानका है दारुलूम देवबंद की खानका से लेकर के ये एहतजाज का जो रैली थी वो निकाली गई। उसके बाद सभी लोग जामा मस्जिद पे इकट्ठे हुए। जामा मस्जिद के बाद अब फिलहाल ईदगाह मैदान जो देवबंद का है उसके अंदर मौजूद है और यहाँ पर एक जलसा हो रहा है जिसके अंदर तमाम जो है नारे लग रहे हैं। वसीम रिजवी के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और वसीम रिजवी के खिलाफ जो है प्रदर्शन अभी तक जारी है। हालांकि पूरे मुल्क में मात्र देवबंद में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फिलहाल वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और उलेमाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि इतने वसीम रिजवी को कड़ी सजा भारत सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा नहीं मिलेगी, इतने वो बैठने वाले नहीं है, लगातार एहतजाज प्रदर्शन करते रहेंगे। तमाम जो लोग हैं उनकी जबान पर फिलहाल वसीम रिजवी को लेकर के मुर्दाबाद के ही नारे लगाए जा रहे हैं और वसीम रिजवी के खिलाफ लगातार आंदोलन तेज है। अभी कुछ देर के बाद जिलाधिकारी या एसएसपी या फिर उप जिलाधिकारी के माध्यम से यहाँ से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। तमाम जो जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं और अब देवबंद के बाद जमीयत बहुत बड़ी जल्द कहीं अन्य राज्य में भी वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली हो रही है। जमीयत उलेमा हिंद की जानिब से क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी की गई है यहाँ वसीम रिजवी के खिलाफ? बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी कुछ देर के बाद जब जलसा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो यहाँ पे उप जिलाधिकारी आएंगे उनको राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद जो संबंधित थाना है उस थाने के अंदर में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। जितने उलेमा है उनका साफ तौर पर कहना है कि कुरान शरीफ की जो आयतें हैं उसको हटाने के लिए जो उसने याचिका वसीम रिजवी ने याचिका डाली है वो बिल्कुल गलत है और कुरान शरीफ की एक भी आयत को नहीं हटाया जा सकता, एक अक्षर को नहीं हटाया जा सकता, एक हुर्फ को नहीं हटाया जा सकता है। और वसीम रिजवी ने जो कुरान शरीफ को पूरी टिप्पणी करके याचिका डाल के जिस तरीके का एक घिनौना काम किया है यह बिल्कुल ही नागवार गुजरने वाला है क्योंकि वसीम रिजवी के खिलाफ अब चारों तरफ से हल्ला खुल चुका है और वसीम रिजवी की लगातार मुखालफत हो रही है और इस मुखालफत के लिए कहा जा रहा था लोग इल्जाम लगा रहे थे कि उन्हें किसी पार्टी का कहीं ना कहीं यहाँ पर हिमायत है, उन्हें तभी इस तरह के वो बयान देते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन खुद यहाँ पर मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन ने सामने आकर कहा था कि जिस तरह से वसीम रिजवी ने जो बयान दिया है, जो पिटीशन दाखिल की है, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि कोई मदद कर पाएगा वसीम रिजवी की? बिल्कुल, देखिए मुमताज, आपको साफ तौर पर बताएं कि वसीम रिजवी के खिलाफ जो लगातार टिप्पणियां जा रही हैं, वसीम रिजवी के आए दिन जो टिप्पणी करते रहते हैं, जो वो प्रतिक्रिया देते रहते हैं, तमाम मीडिया की सुर्खियों बने रहते हैं, फिलहाल साफ तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का वसीम रिजवी को सहारा नहीं है। इस बात को तमाम जो उलेमा है वो भी कह चुके हैं। वसीम रिजवी जो इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हैं, सीबीआई की जो जांच उनके खिलाफ चल रही है,
वो उसको लेकर के बौखलाए पड़े हुए हैं। और आए दिन उनके जो साफ तौर पर अगर देखा जाए, कहा जाए, समझा जाए तो यही है कि वो सीबीआई की जांच से बचने के लिए इस तरीके के घिनौने काम करते रहते हैं। तमाम जितने उलेमा हैं या जितने भी राजनेता हैं लगातार इसी बात को कह रहे हैं, और वसीम रिजवी जो सीबीआई की जांच से बौखलाए हुए हैं इसलिए उनकी इस तरीके की टिप्पणियां सामने अक्सर आई रहती हैं। इसी तरीके की जो प्रतिक्रिया है उनके ऊपर तमाम राजनेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि जो उलेमा है उनका साफ तौर पर कहना है कि वसीम रिजवी का दिमाग खराब हो चुका है, वसीम रिजवी पागल हो चुके हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि वसीम रिजवी के खिलाफ जरा सा भी बख्शीश का खाना ना बरता जाए। जी चलिए, वसीम रिजवी को लेकर लोगों में गुस्सा है और इसी गुस्से को लोग सड़कों पर इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैसा आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए।